जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 इंग्लिश का सेट वन को कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके फाइनल एक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस सेट को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन छूटने का संभावना नहीं होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पर कि जनरल इंट्रोडक्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 घंटा 30 मिनट का आपका जो है तो एग्जाम होगा, और फुल मार्क्स जो होगा वह 40 नंबर का होगा, और आपको यहाँ पर अपने मन से ही आंसर को देना है। फर्स्ट नंबर में यहाँ पर क्या बोल रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर एनी 5, यानी कि आपको यहाँ पर यह एक पैसेज दे दिया गया है, आपको ध्यान से इसको पढ़ना है और किन्हीं 5 को क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर ज़्यादा दिया हुआ है, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। आप लोग इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ यहाँ पे आंसर बताएंगे कि क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, और आसान भाषा में यहाँ पर बताया जाएगा। फर्स्ट में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डोमेस्टिकेट हॉर्स, जो हम लोग घर में घोड़े घोड़ा पालते हैं उनका जो एज है वह किसे निर्धारित किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ये हो जाएगा, द नेचर लाइफ स्पैन ऑफ अ डोमेस्टिक हॉर्स इज अबाउट 22 to 30 ईयर, 10 ईयर डाउन फ्रॉम व्हाट इट वॉज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ कैन वन काउंट अ हॉर्स एज, हॉर्स का जो एज है वह किस तरीके से काउंट किया जाता है। इसका जो आंसर दिया हुआ है, हम लोग पैसेज में इसको देख लेते हैं, इसका जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पर 1 से लेकर, आप लोग मार्क कर लीजिएगा, 1 से लेकर यहाँ तक लॉन्गर तक आप लोग लिख दीजिए, ये जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई इज़ नॉट सेफ टू स्टैंड बिहाइंड अ हॉर्स, हम लोग सेफ महसूस क्यों नहीं करते हैं हॉर्स के सामने खड़ा होने से। थर्ड का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो पैसे से ही लिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी सही आंसर है, पैसे से ही लिया गया है। हॉर्स हैव अ नियरली 360 डिग्री ऑल अराउंड द विजन, हॉर्स जो है वह 360 लगभग देख सकता है, मतलब चारों तरफ देख सकता है। दे वनली प्लेस दे कैन नॉट सी इन डायरेक्टली बिहाइंड, वह एक ही प्लेस है जो वह नहीं देख सकता है, वह जो है राइट इन द फ्रंट, वह जो है पीछे की ओर नहीं देख सकता है। देयरफॉर इट इज अनसेफ टू स्टैंड बिहाइंड द हॉर्स, और जो है से हॉर्स के सामने हम लोग खड़ा नहीं रह सकते, इसीलिए सेफ वह नहीं है, क्योंकि वह मार भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ डू हॉर्स हेल्प वुमेन, हॉर्स जो है हम लोग को किस तरीके से हेल्प करता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हॉर्स बिकम मोर डोमेस्टिकेटेड, ह्यूमन हैव डेवलप्ड मोर यूज फॉर देम, हॉर्स को जो है वो आजकल घर में बहुत ज़्यादा ही पालने लगा है और उसे यूज़ करने लगा है। सच एज सर्विंग एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसको लेके कहीं जाना रहेगा तो उसी पर बैठ के चलने लगेगा। और यहाँ पर दिया हुआ है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और जो है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ इनडायरेक्टली फ्रॉम द गिवन पैसेज, इनडायरेक्टली का उल्टा लिखना है यहाँ पर इसी पैसेज में से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो अभी देखेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, द एंटोनिम्स ऑफ इनडायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज इज डायरेक्टली बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस विद द गिवन वर्ड, एंटरटेनमेंट अ प्रिवेंट, ये दोनों का एक सेंटेंस लिखना है जो कि मीनिंगफुल होना चाहिए। 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एंटरटेनमेंट से जो सेंटेंस बना था, द होटल इज अ फेमस फॉर इट्स एंटरटेनमेंट, और प्रिवेंट्स का हो जाएगा, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम लिविंग। 7 में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कंप्लीट द सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये दोनों सेंटेंस वो आपको पैसेज के हिसाब से ही कंप्लीट करना है, द हॉर्स इज अ डोमेस्टिकेट। 7 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आगे कंप्लीट करना था, वो हो जाएगा वन टूड हॉफ मैमल, और बी का जो हो जाएगा वन कैन टेल अ हॉर्स एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राइटिंग, ये राइटिंग सेक्शन है, अटेम्प्ट एनी टू अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, ये जो 3 क्वेश्चन है 3 में से आप लोग को 2 ही लिखना है, लेकिन 80 से 100 वर्ड में लिखना है, और एक जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है, और 2 को करना ही करना है। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है, क्वेश्चन 10 इज कंपलसरली, मतलब आप लोग को 10 जो है वह करना ही करना है, यानी कि ये दोनों में से एक करना है और ये जो है वह करना ही करना है। यहाँ पर आप हम लोग देखते हैं फर्स्ट 8 में क्या बोल रहा है, राइट अ लेटर टू योर अंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम, आपको यहाँ पर अंगर ब्रदर के पास एक लेटर लिखना है और यहाँ पर लिखना है कि टाइम का महत्व क्या है। 8 का हम लोग यहाँ पर आंसर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपका जो होगा वो सबसे पहले हुआ एड्रेस होगा, फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ के फिर डेट होगा, फिर यहाँ पर एक डियर ब्रदर करके आप लोग लिख सकते हैं अपने मन से भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लिखना है, यहाँ पर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लास्ट में योर ब्रदर करके नाम लिख दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर देखेंगे दोस्तों, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल, यहाँ पर आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का हेड मास्टर के पास आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, यहाँ पर आपको लिखना है एप्लीकेशन जो लिखना है वह बुक के बारे में लिखना है कि लाइब्रेरी में कम बुक है, हम लोगों को ज़्यादा बुक चाहिए, तभी इसका जो हम लोग एप्लीकेशन है वह देखते हैं।
हम लोग नाइन का आंसर देखने जा रहे हैं दोस्तों, किस तरीके से ये जो है वह लेटर लिखा गया था। सबसे पहले आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है और डेट लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है, रिक्वेस्टेड टू मेक मोर वैरायटी ऑफ बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। मतलब सर से आपको यहाँ पर लिखना है कि अवेलेबल बुक करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर यहाँ पर करना क्या है, यहाँ सर लिख के फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर आप लिखना शुरू कर दीजिए। विथ ड्यू रिक्वेस्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10A दैट आई ड्रॉ योर काइंड अटेंडेंस रिगार्डिंग अबव। आई रिग्रेट टू पॉइंट आउट दैट योर लाइब्रेरी लैक ऑफ सम बुक्स फॉर आवर स्टडी। द बुक्स आर ऑन साइंस एंड आर सब्जेक्ट, दोज बुक विल हेल्प अस फॉर अस बेटर रिजल्ट। देयरफॉर आई रिक्वेस्टेड टू यू लुक इन द मैटर ऑफ सॉल्व आवर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। फिर आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर थैंक यू लिखना, फिर योर ओबीडियंट और फिर जो नाम है वह नाम लिख देना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 10 नंबर, राइट अ पैराग्राफ ऑन द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ। सबसे खुशी का दिन जो होगा उसी के बारे में यहाँ पर लिखना है, ये अपने मन से भी आप लोग लिख सकते हैं। 10 का आंसर जो है दोस्तों वो अपने मन से तो लिखना ही है, लेकिन हम बता दिए हैं कि कितना वर्ड में आपको लिखना है तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप लोग देख के यार स्क्रीन शॉट लेके ले लीजिए या फिर इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों ग्रामर सेक्शन। अब हम लोग यहाँ पर 11 में देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉड्यूल गिवन बिलो। यहाँ पर मॉड्यूल कुछ दे दिया गया है 3 ठो, इसको आपको भरना है सुटेबल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभी बताते हैं। 11 का जो ए का जो फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर हो जाएगा दोस्तों माई सिस्टर माइस डांस व्हेन शी वाज 5। बी में है मे गॉड ब्लेस यू। सी में है अमन वर्क हार्ड सो दैट ही कुड पास। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 12 में, ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट। अब यहाँ पर बोला ए में बोला है अनीता इज टू लेजी टू राइट। यहाँ पर 2 को रिमूव करना है, यानी कि ये 2 को जो है रिमूव कर देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनीता इज लेजी टू राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों बी में देखते हैं, हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ डेट। इसको जो चेंज करना है इनटू एसरेटिव में इसको चेंज करना है। तो आइए हम लोग इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ डेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राधा सेड टू मी प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ये हो जाएगा सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग लिटरेचर में आ चुके हैं 13 में। क्या बोला, यहाँ पर एक पोयम दे दिया गया है और आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पर एक का जो आंसर है, नेम द पोयम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ये जो पोयम है वह किस पोयम है और कहाँ से लिया गया है। इसका जो पोयम का नाम है वह, यहाँ जो पोयम का नाम है वह अमंडा नाम है। यहाँ पर ए का आंसर हो जाएगा अमंडा और बी में दिया हुआ है हु हैज रिटन दिस लाइन। ये जो लाइन है वह किसने लिखा है। तो यहाँ पर भी आंसर जो हो जाएगा वह अमंडा हो जाएगा। सी में हो जाएगा सी इज डूइंग, सी इज व्हाट इज सी डूइंग, मतलब वह क्या कर रही थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड। वह जो है वह फ्रेंड के साथ खेल रही थी, बीटिंग हर नेल्स और वह अपने नाखून चबा रही थी, और हैंचिंग हर शोल्डर और वह जो है शोल्डर को रगड़ रही थी। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं अटेम्प्ट एनी टू। यहाँ पर किसी दो को लिखना है, 300 यहाँ पे दिया हुआ है आपको, किन्हीं दो में दो को लिखना है। यहाँ 40 और 50 वर्डों में लिखना है। यहाँ फर्स्ट में 14 नंबर में बोल रहा है वाई वाज रेंचो एंग्री, रेंचो जो है वह क्यों गुस्सा हो गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रेंचो हैड आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पैसो। रेंचो जो है वह भगवान से कहा था कि 100 पैसो भेजने के लिए, बट वेन ही ओपन द लेटर ही फाउंड ओनली 70 पैसो इन इट। तब जब उनके घर में लेटर पहुंच गया था, तब वह जब लेटर को खोले तो देखते हैं कि उसमें सिर्फ 70 पैसो ही हैं। ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। तब वह सोचते हैं कि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग जो हैं, जहाँ पर वो पोस्ट ऑफिस में जो लोग हैं वह उनके पैसे को ले लिए हैं। सो ही बिकम एंग्री वेन ही रिसीव द लेटर। तब वह जो है वह बहुत गुस्सा हो गए थे जब लेटर को रिसीव किए थे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 15, हाउ इज वंडा सींग एज डिफरेंट बाय अदर गर्ल। वंडा जो है वह डिफरेंट दूसरे गर्ल से क्यों अलग थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का वो ये हो जाएगा, वंडा इज अ पुअर फुलिश गर्ल हु स्टडी इन एन अमेरिका। वंडा जो है वह पुअर फुलिश गर्ल थी और वह जो है अमेरिका में पढ़ती थी, अमेरिकन स्कूल में पढ़ती थी, विथ अमेरिकन चिल्ड्रेन और अमेरिकन चिल्ड्रेन के साथ वह पढ़ती थी। बींग अ पुलिस गर्ल हर नेम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, और उनका जो नाम था वह सबसे अलग था। अमेरिकन चिल्ड्रेन सो दे मेक फन फॉर हर नेम, और जो अमेरिकन चिल्ड्रेन जो थे वहाँ पर पढ़ते थे वो जो है वंडा के साथ बहुत मजाक किया करते थे। हर फिट आर ऑलवेज कवर्ड विथ मड, और उनका पैर जो था जूतक जो था वह हमेशा मड मतलब मिट्टी से लिटाया हुआ रहता था। सो ही सीट इन द डस्टीएस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम, और वह जो है वह कोना में बैठा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 16 नंबर, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली जो टाइम को पास करते रहती थी मतलब वेस्ट करते रहती थी, उसका क्या था, मतलब वही लिखना है आपको आंसर। 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वलीज फेवरेट पास टाइम वाज द स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ डोर ऑफ हर हाउस। वलीज जो टाइम पास किया करती थी वो अपने मेन डोर के पास
जो उनके घर में था वहाँ पर वह टाइम पास किया करती थी, एंड वॉच द स्ट्रीट, और वह जो है वहाँ पर लटक के रोड को देखा करती थी। द स्ट्रीट आउटसाइड वॉज फुल ऑफ एक्टिविटीज, और जो रोड में था गाड़ी भी चलते रहता था वहाँ पर, बहुत सारे एक्टिविटी होते रहता था। विच वी आर इनकरेज टू कीप हर माइंड, कीप हर एम्यूज एंड इंगेज, और वह जो है वह रोड को देखने में व्यस्त रहती थी, मतलब बिजी रहती थी। अब हम लोग 17 देखते हैं दोस्तों। वाई डज द पोएट वॉन्ट टू टर्न अ लाइफ विथ एनिमल, कवि जो है मुड़कर एनिमल के साथ क्यों रहना चाहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो द पोएट वॉन्ट टू टर्न एंड लाइफ लिव विथ एनिमल, बिकॉज पोएट जो है मुड़कर एनिमल के साथ रहना इसीलिए चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट एनिमल आर द बेटर देन ह्यूमन, एनिमल जो है वह ह्यूमन से अच्छा है। एनिमल आर ऑलवेज हैप्पी विथ देयर लाइफ, एनिमल जो है वह अपने लाइफ से खुश हैं। दे डू नॉट केयर अबाउट एनी थिंग, और वह जो है एनिमल वह किसी का केयर नहीं करते हैं। दे डू नॉट कमिट सिंस एंड द स्लीप इन द नाइट, दे डू नॉट नील्स फॉर पोजिशन, दिस क्वालिटी ऑफ एनिमल अट्रैक्ट द पोएट। यहाँ पर सिंपल यह बताया गया है कि जानवर हमेशा अपने जीवन से खुश रहते हैं, वे किसी चीज़ का परवाह नहीं करते हैं, वे पाप नहीं करते हैं, और इसी तरह रात को सोते हैं। वे पदों के लिए घुटने नहीं टेकते, जानवरों के ये गुण कवि को आकर्षित करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, अटेम्प्ट एनी वन, आपको इन दोनों में से एक ही लिखना है, लेकिन 80 से 100 वर्डों में लिखना है। फर्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों 18 में हम लोग देखते हैं दोस्तों, हु वाज हॉरस डैनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज, और किस तरह का वह जो है पर्सन थे। इसका हम लोग सही आंसर देखते हैं दोस्तों, हॉरस डैनबी वाज अबाउट 50 ईयर ओल्ड, हॉरस डैनबी जो है वह उनका ईयर जो था वह 50 ईयर के थे। ही वाज अनमैरिड, और वह जो है शादीशुदा नहीं थे। ही वाज अ हेल्दी मैन, वह और वह जो है हेल्दी मैन थे, बट ही हैड अटैक ऑफ हे फीवर इन समर, और वह जो है एक दिन हे फीवर का अटैक हो गया, मतलब हे फीवर उनको लग गया। ही अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग लैक्स, ही वाज सक्सेसफुली एट हिज बिजनेस, और वह जो है बिजनेस मैन थे और अच्छे खासे पैसा वह कमा रहे थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, ही वाज सक्सेसफुली एट हिज बिजनेस, मतलब वह जो है वह बिजनेस मैन थे और उनके उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। ही हैड टू हेल्पर, और उनके पास दो हेल्पर थे जो बिजनेस में हेल्प किया करते थे। दस ही वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, और वह बहुत अच्छे थे और दया हुआ दिखाते थे। ही वॉज अ गुड एंड हॉनेस्ट सिटीजन, और वह जो है वह अच्छे व्यक्ति थे और हॉनेस्ट सिटीजन भी थे। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली हॉनेस्ट, और वह जो है पूरे तरीके से हॉनेस्ट नहीं थे, ईमानदार पूरे तरीके से नहीं थे। ही वॉज अ ट्रिपिकल थी, और वह चोर भी थे, मतलब छोटा मोटा चोर थे। ही स्टोलन ओनली फ्रॉम दोज पीपल हु हैड अ लॉट ऑफ मनी, और वह उन लोगों से लूटा करते थे जिनके पास बहुत पैसा हुआ करता था। ही नेवर थॉट ऑफ हर्टिंग एनीवन, और उनको जो है वह चोट किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, वन ही प्लान्ड फॉर अ रॉबरी, और वह एक दिन जो है वह चोरी करने का प्लान बनाते हैं। ही वॉज वेटिंग फॉर दैट हाउस, और वह ऐसे घर के तलाश में थे, दैट वेन देयर मेंबर विल गो आउट, उस घर में कोई ना हो और उसके मेंबर जो है कहीं बाहर गए हों। वन डे ही सॉ दैट द मेंबर ऑफ द हाउस वी आर गोइंग समवेयर, तभी वह एक दिन देखते हैं कि उस घर का जो मेंबर है सभी मेंबर वह बाहर घूमने जा रहे हैं। टू सी दिस ही बिकम वेरी हैप्पी, इसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। ही वेंट टू दैट हाउस फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, और वह जो है गार्डन वॉल के सहारे उस घर में घुस गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, ही वेंट टू द सेफ, और घर के सहारे वह तिजोरी के सामने भी वह पहुंच गया था। ही टुक ऑफ हिज ग्लव्स, और वह अपने ग्लव्स को जो है वह हाथ में पहन लिया था, एंड टच द सेफ, और तभी वह तिजोरी को खोल रहा था। ही डिड नॉट डिड मिस्टेक दिस टाइम, और वह जो है इस टाइम वह मिस्टेक नहीं करना चाहता था कोई भी, बिकॉज ही नो हिज फिंगरप्रिंट वॉज बिंग देयर ऑन द सेफ, तभी उसको लगता है कि एक जो वह गलती कर चुका था कि उसके जो फिंगरप्रिंट है वह सेफ के मतलब तिजोरी में रह गया था। देन द लेडी कॉल्ड द पुलिस एंड द पुलिस अरेस्ट हिम, तभी वहाँ के जो लेडी थी वह पुलिस को बुलाती है और उसको अरेस्ट करवा देती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, हाउ इज मिस्टर पैम्परी रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्की एलिमेंट, किस तरह से मिस्टर पैम्परी जो है वह टर्की को जो बीमार की थी वह कसूरवार कैसे थी उसको लिखना है यहाँ पे। इसका जो आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों, मिस्टर पैम्परी हैज अ ग्रेट लव फॉर टर्की हर डॉग, उनका जो डॉग था टर्की वह पैम्परी जो है वह अपने डॉग से बहुत प्यार करती थी। सी डू नॉट ट्रीट इट एज अ एनिमल रेथर, मतलब वह जो है एनिमल की तरह उसे ट्रीट नहीं किया करती थी, वह हमेशा सी ट्राइड इट एज अ ह्यूमन बींग, और वह जो है हमेशा ह्यूमन बींग के तरह ही ट्रीट किया करती थी। सी लाइक हर ओन चाइल्ड, अपने बच्चे की तरह उसे पाली हुई थी या ट्रीट करती थी। टर्की हैज़ बीन गिवन एवरी स्टार्ट ऑफ लग्जरी, मतलब टर्की जो है वह बहुत ही लग्जरी लाइफ जीता था टर्की, बट नो फिजिकल वर्क और एक्सरसाइजेज, और वह जो है फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करता था। इट हैज़ सेपरेटेड बेड, सेपरेटेड बुल्स, सेपरेटेड उसका पास जो था टर्की के पास सेपरेटेड बेड था, सब कुछ जो था वह सेपरेटेड था। इट हैज़ बिकम वेरी फैट ड्यू टू, और वह जो है वह बहुत मोटा हो गया था।
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ड्यू टू मिस्टर पम्फ्री गिवन इट एक्स्ट्रा फूड। और मिस्टर पम्फ्री जो थी वह अपने डॉग को वह एक्स्ट्रा फूड दिया करती थी, जैसे मीट दिया करती थी, मिल्क दिया करती थी, चॉकलेट, हॉर्लिक्स ईटीसी। दस द रिजल्ट इज दैट ट्रिकी फैट इल फॉल्स इल, मतलब इसके बाद इतना खाना खाने के बाद ट्रिकी जो है वह बीमार पड़ गया था। इट हैज़ नो एक्सरसाइज, क्योंकि वह एक्सरसाइज नहीं करता था इसीलिए वह बीमार पड़ गया था। मिस्टर पम्फ्री इज डीपली वरी अबाउट द हेल्थ, और मिस्टर पम्फ्री जो है तब सोचती है ट्रिकी के हेल्थ के बारे में। सी टेक्स ट्रिकी टू द सर्जरी ऑफ द डॉक्टर हेरियोट, और डॉक्टर हेरियोट जो थे उनका फैमिली डॉक्टर उसके पास लेके जाती है। ही डज नॉट गिव एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, और जो डॉक्टर हेरियोट जो थे वह ट्रिकी को कुछ भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। बट ही रेगुलेट इट डैट, और वह जो है हेरियर डॉक्टर हेरियोट जो थे वह डैट के बारे में कंप्लीट बताते हैं। एंड गिव इट फिजिकल एक्सरसाइज, और बोलते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइजेस करने के लिए ट्रिकी इज ऑल राइट अगेन, और तभी वह ट्रिकी जो है वह फिर से ऑल राइट हो सकता है, मतलब सही हो सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हर एक सेट का क्वेश्चन आंसर जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।